नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। खबर बामपुर फाटक मांडा रोड प्रयागराज से रिपोर्टर कमलेश सिंह द्वारा कवरेज की गई रिपोर्ट। मांडा ब्लॉक अंतर्गत बामपुर फाटक मांडा रोड स्थित न्यू मुंबई गार्मेंट की दुकान है, जिसमें चोरों द्वारा आज रात्रि लगभग 2 बजे दुकान के दीवार तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बताते चले कि विगत वर्ष भी इसी दुकान में चोरों ने चोरी की घटना का अंजाम दिया था, जिसका FIR काफी मेहनत शक्कत करने के बाद दर्ज हुआ था, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। उपरोक्त बातें वहां के स्थानीय लोगों एवं दुकानदार द्वारा बताई गई। ज्ञात रहे कि उस वक्त CCTV कैमरा दुकान में लगवाया नहीं गया था, लेकिन इस बार CCTV कैमरा होने की वजह से दुकानदार के द्वारा CCTV रिकॉर्ड से पता चला और तुरंत 112 नंबर व थाना मांडा और चौकी इंचार्ज भारतगंज को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही 112 नंबर की गाड़ी वहां पहुंचे और फोटो खींच कर चले गए। वहीं भारतगंज चौकी इंचार्ज आशीष राय को भी सूचना दिया गया। उन्होंने कहा एप्लीकेशन लेकर थाने पर आइए। दुकानदार का आरोप है कि पहले भी हमारी दुकान में चोरी हुई, जिसका मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। उल्टा आरोप लगा रहे थे कि तुम्हारी दुकान में इतना कुछ नहीं था, यानी चोर पकड़ने की बजाय उल्टा पीड़ित को ही बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश है। लोगों ने कहा कि पहले भी कई घटनाएं हो चुकी, लेकिन प्रशासन द्वारा सही कार्यवाही कुछ नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि अगर मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर आरोपी को नहीं पकड़ा गया तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, ताकि ऊपर के अधिकारियों को ये पता चले कि जनता के साथ क्या न्याय हो रहा है। देखें वीडियो क्लिप। इस समय प्रयागराज जिले के मांडा थाना अंतर्गत बामपुर फाटक पर उपस्थित हूँ और आज रात में यहाँ चोरी हुई है। इस दुकान पे पहले भी चोरी हुई थी, इसका मुकदमा पंजीकृत कराएगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ के जो भी दुकानदार व्यापारी, उनके अंदर बहुत ही आक्रोश है कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है। आइए जानते हैं। अपना नाम बताइए। ये है, हाँ, फोन किए थे चौकी इंचार्ज यहाँ नजदीक चौकी भारतगंज में। हाँ, भारतगंज है। क्या बोले वो? बोले ठीक है, देख रहे हैं, अभी किसी को भेज रहे हैं, अभी तक तो कोई आया नहीं है। आपके यहाँ CCTV कैमरा लगा है? हाँ, CCTV कैमरा लगा है, चोरी गाड़ी है। कितने बजे चोरी हुई लगता है? चोरी वो घुसा है 2:37 में। आपको सूचना हुई इसके कैमरा के माध्यम से? हाँ, हमने 3:20 पे लगभग कैमरा जब चालू किया तो चोरी हो चुका। 112 को आपने सूचना किया? हाँ, 112 किया था। वो लोग आए थे, आगे पीछे फोटो खींचे। इससे पहले भी आपके यहाँ चोरी? हाँ, चोरी हुआ था हमारे यहाँ 28 अप्रैल हुआ था। नहीं, हमारे वहाँ पे कंप्लेन दर्ज किया था, पर कोई भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। हमी से बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं, आपके यहाँ चोरी नहीं हुआ है, आप इतना माल कहाँ रखे थे? चौबीस चार बोल रहे थे आपका चोरी नहीं हुआ? नहीं, आप लोग इतना माल ही नहीं था आपके पास, बिना चोरी हुआ? चोरी नहीं हुआ। हम कहना चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई जांच करके चोरों को पकड़ा जाए, ना तो हम लोग जाना चक्का जाम करेंगे और प्रशासन जहाँ तक जाना होगा। अरे, इसके पहले वो यहाँ व्यापारियों में भारी आक्रोश है। इनका कहना है कि लगातार कई बार चोरी हुई, जिसके में कोई भी मुजरिम आज तक पकड़ा नहीं गया और किसी भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ, और आए दिन घटना हो रही, प्रशासन उल्टा इनके ही ऊपर आरोप लगा रही है कि आपके यहाँ। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।